वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स. आई एम गौरी और आज मैंने बहुत प्रिटी सा गर्लिश सा लुक किया है फॉर द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन. आप सभी जानते हो रक्षाबंधन इस साल दो दिन पड़ रही है, ऑन 30 एज वेल एज ऑन 31st ऑफ ऑगस्ट. कॉमेंट करके बताओ कि आप कौन से दिन सेलिब्रेट कर रहे हो. आई एम सेलिब्रेटिंग द रक्षाबंधन ऑन 31st ऑफ ऑगस्ट क्योंकि उस दिन सुबह से रक्षाबंधन है, सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट. बट कुछ लोग 30th ऑगस्ट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप कौन से दिन सेलिब्रेट कर रहे हो. और आज का लुक मैंने बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया है ताकि आप सभी इस लुक को रिक्रिएट कर पाओ ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन. और ये लोग इतना ज्यादा प्रिटी टर्न आउट होकर आया ना कि मैं खुद भी शॉक रह गई हूँ कि कभी कभी यार इतनी ज्यादा मेहनत लगा लेते हैं और तब भी लुक इतना अच्छा निकल के नहीं आता. और कभी कभी बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ इतना प्रिटी लुक निकल के आ जाता है कि खुद भी बोलने का मन करता है. वो कहते हैं ना वह ताज जुक सपाट. एंड आई होप कि आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा आ रहा है. एकदम पार्टी मेकअप लुक लग रहा है. आप इसे करके पार्टी में भी जा सकते हो, बट मैंने इसे डे एप्रोप्रिएट रखा है. मैंने आईज थोड़ी सी ज्यादा लाउड कर ली है तो अपने लिप पर बिल्कुल ही सेटल रखा है, जैसे आप देख ही सकते हो. आप कभी खुद के लिए तैयार होते हो, कभी अपने हस्बैंड के लिए तैयार होते हो, कभी किसी फंक्शन के लिए तैयार होते हो, बट भाई के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ दो ही मौके मिलते हैं, वन इज रक्षाबंधन एंड दी अदर वन इज भाई दूज. तो इस ओकेजन का क्यों ना भरपूर लाभ उठाया जाए, बहुत ब्यूटीफुल सा मेकअप करके जाओगे ताकि आपका भाई भी आपको देख के बिल्कुल एस्टॉनिश हो जाए और बोले कि झल्ली आज क्या बन के आ गई है. आप सभी ने अभी तक राखी की तो शॉपिंग कर ली होगी, तो जरूर से अपने लिए भी टाइम निकालिए और बहुत अच्छे से रेडी हो ताकि आपको भी अच्छा लगता है, आपके भाई को भी अच्छा लगता है. आई एम श्योर कि आप बहुत सुंदर लगने वाले हो. ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है. मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ. जस्ट लव हिम टू द फुलेस्ट एंड टू ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर्स आउट देयर अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू. अगर आप कंफ्यूज हो कि अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट करें, एंड सिस्टर्स अगर आप हिंट देना चाहते हो अपने भाइयों को कि वो आपको क्या गिफ्ट करें, then I have a video on Rakshabandhan gifting options. I would link it right here. You can go and check it out. As you all know, I'm a certified makeup artist now. और अभी मैंने एक promotional offer चला रखा है रक्षाबंधन के लिए, जिसमें मैं बहुत ही affordable rates में बहुत HD quality का makeup करने वाली हूँ. And the prices are very affordable. If you want to book me, then you can comment down. I'll just get back to you. Or you can go to my Insta. और आप मुझे वहाँ पे भी DM कर सकते हो. You can DM me for any kind of details. और मैं आपको बता दूं कि आई बी यूजिंग ऑल HD प्रोडक्ट्स एंड हाई एंड इज फिल. रेट्स आर वेरी अफोर्डेबल बिकॉज इट्स अ प्रमोशनल ऑफर. आई जस्ट वांट टू बिल्ड माय रीच एंड आई होप यू गाइस वुड गोना सपोर्ट मी बिकॉज लाइक मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार हो और आप मुझे जरूर सपोर्ट करोगे. आई होप यू लाइक दिस मेकअप लुक. इफ यू डू देन यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेक योर गर्ल ग्रो फास्टर एंड सूनर. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. मैंने वैसे ही बहुत बड़ा इंट्रो कर लिया, तो विदाउट wasting any further ado, let's begin with the video. स्टार्ट कर रही हूँ मैं रिकोट के प्राइमर से. इट्स देयर एस ऑफ बेस प्राइमर और ये प्राइमर सिलिकॉन कंसिस्टेंसी का है एंड इट्स वेरी गुड. एंड यहाँ मैं लगा रही हूँ ऑरेंज करेक्टर अंडर माय आईज और मैं एज यूजुअल अपनी फिंगर्स की ही हेल्प से उसे ब्लेंड करूँगी बिकॉज दे परफॉर्म द बेस्ट. और अपने कंसीलर लाइक अपने करेक्टर शेड को मैं कैमोफ्लाज करने के लिए लगा रही हूँ येलो गर्ल का ही कंसीलर इन द शेड प्योर पीच. These concealers are very good. They are affordable and the coverage is also very good. और इसे मैं blend करूँगी एक concealer brush से and the brush is from the brand pack. और मैं इसे अपने eyelid के ऊपर भी blend करती हूँ ताकि एक बहुत smooth canvas मिल जाए और मुझे बाद में eye primer लगाने की need भी ना हो. Here I'm applying two foundations. वन इज़ नायका स्किन शील्ड एंड द अदर वन इज़ नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन. मैंने ये दोनों ही फाउंडेशन एक ट्रे में मिक्स कर लिए थे एंड दीज फाउंडेशन आर वेरी गुड. दे आर वेरी अफोर्डेबल एंड लाइट वेट एज वेल. इनका एक टेस्टर साइज भी आता है, टाटस समवॉट अराउंड 100 rupees. तो आप इसे लेकर टेस्ट कर सकते हो बिकॉज दीज फाउंडेशन आर एक्चुअली वेरी गुड एंड अफोर्डेबल. और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ मॉर्फीज ब्यूटी ब्लेंडर. Here I am highlighting my under eyes with the help of Iba Halal concealer in the shade light. Guys, this concealer is also very good. इस concealer की भी coverage अच्छी है and it's waterproof as well. और मैं same beauty blender से इसे blend कर रही हूँ and I'm putting the concealer on my eyelid as well to act as an eyeshadow base. हेयर मैं अपना अफोर्डेबल एंड प्यारा
लिप एंड चीक टेंट यूज कर रही हूँ. इट्स फ्रॉम दी ब्रांड NY बे एंड द शेड नेम इज चर्पी पीच. और मैं बहुत जनरसली अपने चीक्स पे लगा रही हूँ ये ब्लशर. आप चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा नहीं है. ब्लेंड होने के बाद बहुत सीमलेस लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगता है. एंड आई एम ब्लेंडिंग इट विद द फाउंडेशन ब्रश. आप देख सकते हो कितना प्यारा सा टिंट आ गया है. एंड आई एम सेटिंग माई फेस विद द हेल्प ऑफ द लूज पाउडर. एंड द लूज पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ मेबेलिन एंड के ब्यूटी. मैं बहुत अच्छे से अपना बेस सेट करती हूँ ताकि कुछ भी हिले ना. हेयर आई एम यूजिंग द नेक्स्ट कॉन्टोर पैलेट. ये 8 शेड्स का पैलेट है जिसमें कॉन्टोर, हाईलाइट शेड एज वेल एज अ हाईलाइटर है. एंड दिस पैलेट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड इट्स माई OG. लाइक मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा पैलेट है और अभी भी मेरा पैलेट फिनिश नहीं हुआ है. इट्स इज अ लॉट कि क्वान्टिटी भी कितनी अच्छी आती है. हेयर आई एम कॉन्टोरिंग माई नोज एज वेल. और अपनी नोज कॉन्टोर करने के लिए मैं एक आई शेडो ब्रश ही यूज कर लेती हूँ बिकॉज इट डज द जॉब. हेयर आई एम कॉन्टोरिंग माई जॉ लाइन. और मैं जॉ लाइन कॉन्टोर करने के लिए अपने कॉन्टोर पैलेट का सबसे डार्केस्ट शेड यूज करती हूँ. और मैं अपना कॉन्टोर ज़्यादा शार्प लगे उसके लिए लूज पाउडर प्लेस कर रही हूँ अंडर माई कॉन्टोर लाइन्स. इससे आपका फेस में बहुत अच्छी अपलिफ्टमेंट आती है और बहुत चिजल्ड लुक आती है. गाइज, मुझे पता है कि आप लोग मेरा चैनल देखते भी हो, कॉन्टेंट भी लाइक करते हो, बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग. सो काइंडली सब्सक्राइब, इट वुड मीन अलॉट टू मी. और यहाँ पे मैं ब्लशर लगा रही हूँ फ्रॉम दी ब्रांड कीको मिलानो. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीची ब्लशर एज यू कैन सी. और मुझे ब्लशर बहुत पसंद है तो मैं उसे चीक्स के साथ साथ अपनी नोज़ में, फोरहेड एंड थोड़ा बहुत अपने चिन पे लगा लेती हूँ. और यहाँ पे मैं रिकोड का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ. उसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स भी हैं जिसके आपका फेस और ग्लोई लगता है. और अपने सेटिंग स्प्रे को बहुत अच्छे से सेट होने के बाद मैं एक हाईलाइटर लगा रही हूँ ताकि हाईलाइटर और पॉप करे. और ये सेम निक्स के पैलेट से. नोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं अपनी फिंगर टिप्स ही यूज़ करती हूँ. और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क के शेप में नोज़ हाईलाइटर प्लेस करती हूँ ताकि नोज़ और भी ज़्यादा चिजल लगे. हेयर आई एम रीटचिंग माई ब्लशर क्योंकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे. तो मैं एक बारी ब्रश में कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस मैं एक बारी दोबारा स्वर्ल कर लेती हूँ अपने फेस में ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे. हेयर आई एम प्लेसिंग द एक्सेस पाउडर अंडर माई आईज ताकि आई शेडो से कोई भी फॉल आउट हो कैच हो जाए. एंड Guys, this palette is really very good. It's the Nikake Poison Apple palette. बहुत affordable है, 350 rupees का आता है after sale I guess. और उससे भी सस्ता मिल जाता है कहीं कहीं. और मैं इसे एक medium size eye shadow blending brush से पहले dab dab करके place कर रही हूँ, blend कर रही हूँ with the help of the same brush. As you can see, eye makeup look बहुत simple है. आप जब बीच में देखोगे आपको तब पता चलेगा कि बहुत simple है. ऐसे देखने में complicated लग रहा है but the eye look is actually very simple. आप देख सकते हो मैं आई शेडो की इंटेंसिटी बिल्ड कर रही हूँ और हार्श लाइंस को ब्लेंड कर रही हूँ. आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेप ऑन माई अदर आई एज वेल. पहले मैं आई शेडो को डैब डैब करके उसकी इंटेंसिटी बिल्ड कर रही हूँ. देन मैं विंडशील्ड वाइपर मोशन में एंड राउंड सर्कुलर मोशन में उसकी हार्श लाइन्स को ब्लेंड कर रही हूँ. आई हैव डन दिस स्टेप क्वाइट अ फ्यू टाइम्स ताकि इंटेंसिटी बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए. दिस पैलेट इज़ फ्रॉम दी ब्रांड फ्लावर कॉस्मेटिक्स इन दी शेड शुगर रश. और इससे मैं एक लाइट पिंक और एक मॉविश शेड मिक्स करके अपनी आई शेडो की एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ जैसे आप देख सकते हो. और गाइज, इस मेकअप लुक की जान है ये ग्लिटर आई शेडो फ्रॉम दी ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स. ये इनकी कोई न्यू रेंज है
इट्स देयर के प्ले रेंज एंड द शेड नेम इज बिग मूड. और आप देख सकते हो इसने मेरे लुक को कैसे चार चांद लगा दिए, कितना प्यारा सा एक मटालिक इफेक्ट आ गया है. मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा. यहाँ पे मैं एक जेल आईलाइनर लगा रही हूँ इन द शेड ब्लैंक. और आपको बहुत प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हम स्मज ही करने वाले हैं. जैसे आप देख सकते हो मैंने एक फ्लैट ब्रश से इसे स्मज किया है और एक आउटर विंग एक्सटेंड कर दिया है. सेम मैं अपनी दूसरी आई में भी कर रही हूँ. पहले एक ब्लैक लाइनर लगाया, देन स्मज किया, देन आउटर विंग पे इसको एक्सटेंड कर दिया. आई हैव डन माई लोअर लैश लाइन एज वेल. मैंने एक वाइट काजल लगाया है और अपनी एजेस को ब्लेंड किया है विद द हेल्प ऑफ द सेम डार्क मरून शेड और उसके नीचे पिंकिश मॉविश शेड से. मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज को रीटच कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फेवरेट एट्यूड हाउस आईब्रो पेंसिल. ये पेंसिल बहुत अमेजिंग है, अफोर्डेबल एज वेल एज अमेजिंग. लाइक देर इज नथिंग टू डिसलाइक इन दिस पेंसिल. यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ एंड हेयर आई एम यूजिंग अ मिस क्लियर लिप लाइनर. बहुत अफोर्डेबल है और आप देख सकते हो ये बहुत डार्किश ब्राउनिश शेड है. इट एक्ट्स एज अ गुड कॉन्टोर फॉर योर लिप्स एंड आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 लिपस्टिक. आई हैव डन माय लैशेस एंड हियर इज माय फाइनल लुक. आई होप यू गाइस लाइक इट. दिस लुक हैज टर्नड आउट सो ब्यूटीफुल. एंड गाइस वी आर डन. हियर इज माय फिनिश्ड लुक. आई होप यू लाइक इट. इट्स लुकिंग वेरी ग्लैमरस. लाइक बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है और बहुत मिनिमम एफर्ट से. लाइक आई वुड से कि एफर्ट बिल्कुल नहीं था, एफर्ट तो ऑब्वियसली लगता ही है, बट बहुत कम टाइम में आप इतने ग्लैमरस लुक को इजीली अचीव कर सकते हो. आई एम श्योर यू आर लाइकिंग माय लुक. इफ यू लाइक दिस लुक देन यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स टू मेक योर गर्ल ग्रो फास्टर एंड सोनर. एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो. एंजॉय सम ब्यूटी शॉर्ट्स गाइस. May God bless you with all the love and happiness in your life. God bless you. Bye-bye.